ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಮೈಸೂರು ಅರಸರು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುಣೆಂಪು, ಸುತುರಿನ್ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಶ್ರೀ ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ ನಾಥ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಂತ ಮಹಾನುಭಾವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳು. ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ, ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀಗಂಧ, ಮೈಸೂರು ದಸರಾ, ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಔರ್ ಆಪ್ ಸಬ್ ಭಿ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೋಗಿ ವಾಲೆ ಹೋ. ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಮಾರೆ ವರಿಷ್ಠ ನೇತಾ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಬಿಎಸ್ ಯೇದುರಪ್ಪ ಜಿ, ಕೇಂದ್ರ ಮೇ ಮಂತ್ರಿ ಪರಿಷತ್ ಕೆ ಮೇರೆ ಸಾಥಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಜಿ, ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ, ರಾಜ್ಯ ಕೆ ಪೂರ್ವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆರ್ ಅಶೋಕ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಪ್ರದೇಶ ಕಿ ಸಹ ಪ್ರಭಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪುರೇಂದ್ರಶ್ವರಿ, ಸಂಸತ್ ಕೆ ಮೇರೆ ಸಾಥಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹಜಿ, ಸಾಂಸದ್ ಬಿ ರಾಮನುಜಿ, ಸಾಂಸದ್ ಶೋಭಾಜಿ, ಪ್ರದೇಶ ಮಹಾಸಚಿವ ಅರವಿಂದ್ ಲಿಂಬಾವಳಿಜಿ, ವಿಧಾಯಕ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಗೋವಿಂದ ಕರಜೋಲ್ಜಿ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಉದಾಸಿಜಿ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಪ್ಪಾಚು ರಂಜನ್ ಜಿ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ವಿ ಸುಮನ್ನಾಜಿ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಎ ರಾಮದಾಸ್ ಜಿ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಎನ್ ರವಿಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶಿವಣ್ಣಾಜಿ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸಿ ಟಿ ರವಿ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಎಲ್ ನಾಗೇಂದ್ರ, ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೀಶ್ವರ್, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಫಣೇಶ್, ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಜಿ ಔರ್ ವಿಶಾಲ ಸಂಖ್ಯಾ ಮೇ ಪಧಾರೆ ಹುಯೆ ಮೇರೆ ಪ್ಯಾರೆ ಭಾಯಿ ಔರ್ ಬಹನೋ, ಆಜ್ ಮೇರಾ ಸೌಭಾಗ್ಯ ರಹಾ ಕಿ ಮುಝೆ ಕುಛ್ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಪ್ರದೇಶ ಕಾ ಆಜ್ ಮೈಸೂರು ಕಿ ಧರ್ತಿ ಪರ್ ಮೈಸೂರು ಕೆ ನಾಗರಿಕೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆ ನಾಗರಿಕೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ದೇಶ ಕೆ ನಾಗರಿಕೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಅವಸರ ಮಿಲಾ. ಮೈಸೂರು ಔರ್ ಕೆಸಿಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆ ಬೀಚ್ ರೇಲ್ವೆ ಲೈನ್ ಕಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಾ ಲೋಕಾರ್ಪಣ ಕಿಯಾ ಔರ್ ಮೈಸೂರು ಉದಯಪುರ್ ಕೆ ಬೀಚ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕ್ವೀನ್ ಹಮ್ ಸಫರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಜ್ ಉಸ್ಕೋ ಭಿ ವಿದಾಯ ದಿ. ಹಮ
हमारे रेल मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल जी यहां मौजूद हैं, हमारे देश में रेल को आधुनिक बनाना, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना, रेल को एक नई गति देना, उस दिशा में अनेक कार्य हाथ में लिए हैं। रेल लाइन का दोहरीकरण, वो भी उसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर हमें गरीब से गरीब व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है तो हमें हमारे रेल नेटवर्क को और अधिक ताकतवर बनाने की दिशा में पिछले 4 साल से लगातार हम काम कर रहे हैं। कर्नाटक में भी पहले की तुलना में रेल के क्षेत्र में नई रेल लाइन बिछानी होगी, रेल लाइन का दोहरीकरण करना होगा, रेल लाइन का बिजलीकरण करना होगा, नई ट्रेन चलाना होगा। पहले की तुलना में किसी क्षेत्र में 2 गुना, किसी क्षेत्र में 3 गुना, किसी क्षेत्र में 4 गुना, कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि इतने कम समय में पूरे वर्क कल्चर को बदल करके इतना बड़ा काम किया जा सकता है। आपको हैरानी होगी, पहले की सरकारें जनता की आंख में कैसे धूल झोंकती थी आप जानकर के हैरान हो जाएंगे। और ये बड़े नसीबदार लोग रहे राजनीति में, सरकारों में, कि ज्यादा लोगों ने उनको परेशान भी नहीं किया। उस समय कोर्ट में पीआईएल नहीं होती थी, इतना सारा मीडिया भी नहीं था, इतने सारे एनजीओ भी नहीं थे, तो उनको कोई पूछने वाला ही नहीं था। आप पार्लियामेंट के अंदर सभी सांसदों के बीच में जब रेल बजट रखा जाता था और ऐसी ऐसी ट्रेनों की घोषणाएं होती थी, हर सांसद को खुश करने का प्रयास होता था, तालियां बजती थी, अलग अलग इलाके में खबर छपती थी कि ये ट्रेन आएगी, ये रेल आएगी, ये स्टेशन आएगा, ये स्टॉपेज आएगा, भांति भांति के। हम जब सरकार में आए तो हमने कहा, भाई जरा ये बताओ तो क्या हुआ है। आपको जानकर के हैरानी होगी, 1500 से ज्यादा ऐसी घोषणाएं ध्यान में आई जो संसद में तो बोली गई लेकिन देश में कहीं नजर नहीं आई। ये उनका काम करने का तरीका था। इन दिनों मैं प्रगति नाम का एक कार्यक्रम करता हूं, देश के पुराने प्रोजेक्ट जो अटके पड़े हैं, लटके पड़े हैं, भटके हैं, उसको जरा खोज निकाल करके फिर से जिंदा कर सकता हूं क्या, उसकी कोशिश करता हूं। राज्यों से पूछता हूं, अब तक करीब करीब 9 लाख करोड़ रुपयों से ज्यादा प्रोजेक्ट, कोई 1960 का, कोई 1970 का, कोई 1980 का कागज पर पड़े थे, जमीन पर कहीं नजर आते नहीं थे। उस जमाने में जिस प्रोजेक्ट का कॉस्ट 30,000 करोड़ होने वाला था, वो आज 80,000, 90,000, 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया। उन सारे
कामों को निकाल निकाल करके इसको पूरा करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और आज वैसे ही काम को गति देना, मैसूर एक प्रकार से एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, देश भर में एक कर्नाटक जाएंगे और चीजें देखेंगे, लेकिन मैसूर भी जाएंगे, ये देश के अंदर सामान्य लोगों के अंदर भाव पड़ा हुआ है। आज एक ऐसा काम किया गया है जो सिर्फ मैसूर और उदयपुर को जोड़ने वाली एक हम सफर ट्रेन ही सिर्फ नहीं है, लेकिन ये टूरिज्म की जीती जागती बैकबोन है। मैसूर और उदयपुर को जोड़ना, इसका मतलब दोनों तरफ कर्नाटक और राजस्थान को सीधा टूरिज्म के लिए जोड़ने का ये बड़ा ऐतिहासिक काम। पहले उदयपुर के व्यक्ति को अगर मन भी कर जाए कि अपने टूर प्रोग्राम में उदयपुर के बाहर चलो मैसूर जाना है, तो 50 बार सोचता है राजस्थान से गुजरात जाना पड़ेगा, गुजरात से महाराष्ट्र जाना पड़ेगा, मुंबई से कोई ट्रेन लेनी पड़ेगी, अब तब जाकर के मैसूर तो फिर कौन जाएगा। अब उदयपुर देखने आने वाला भी मैसूर आराम से देखने के लिए चलाएगा। ये बहुत बड़ा और टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जो सबको सबसे अधिक रोजगार देता है। कम से कम पूंजी निवेश और ज्यादा से ज्यादा रोजगार ये टूरिज्म में है। हर कोई कमाता है, ऑटो रिक्शा वाला भी कमाएगा टूरिस्टों से, टैक्सी वाला भी कमाएगा, गेस्ट हाउस वाला भी कमाएगा, मंदिर के बाहर पूजा का सामान बेचने वाला भी कमाएगा, हर प्रकार से छोटे मोटे हर व्यक्ति, उनके लिए कमाई का बहुत बड़ा अवसर टूरिज्म के कारण बढ़ता है। टूरिज्म रोजगार के लिए अवसर देता है। ये जो आज योजना घोषित प्रारंभ की गई है, ट्रेन चल पड़ी है उदयपुर की ओर जा रही है, रास्ते में जैसे अभी येदियुरप्पा जी बता रहे थे, ये चार राज्यों को जोड़ती हुई जाएगी, और चार राज्यों को जोड़ने की वाली ट्रेन एक प्रकार से पश्चिमी भारत के चार आर्थिक रूप से गतिवान राज्यों के साथ उसका मेलजोल होना, ये भी आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर और ये कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट के रूप में आएगा। भाइयों बहनों, आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, हमारे सांसद श्रीमान सीमा जी विकास के अंदर लगे रहते हैं, अनेक विध नए प्रोजेक्ट लेकर के आते रहते हैं मेरे पास, इसको लागू कीजिए इसको कीजिए वो करते रहते हैं। आपके ऐसे सांसद आपने भेजे हैं जो हमें भी चैन से बैठने नहीं देते, और इसलिए आज मैं दो प्रोजेक्ट की यहां पर घोषणा करना चाहूंगा। बेंगलुरु मैसूरु नेशनल हाईवे, इसको 6 लेन में विस्तृतीकरण किया जाएगा। करीब करीब 6,400 करोड़ से ज्यादा लागत से 117 किलोमीटर का ये नेशनल हाईवे 6 लेन में रूपांतरित होगा। दो हिस्सों में काम शुरू होगा, एक बेंगलुरु से
निरागट्टा और दूसरा निरागट्टा से मैसूरु। और इस योजना के तहत आने वाले दिनों में बेंगलुरु और मैसूरु को जोड़ने में, गति लाने में बहुत लाभ होने वाला है। उसी प्रकार से मैसूरु में जो रेलवे ट्रेन होती है, अब यहां पर जगह पूरी भर गई है, नए प्लेटफॉर्म यहां बनना संभव नहीं है। अब ट्रेनों के आवागमन बढ़ता जा रहा है और उसका उपाय यही है कि यहीं नजदीक में हम मैसूरु के लिए एक सैटेलाइट रेलवे स्टेशन बनाएंगे, नया वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाएंगे। ये नागना हल्ली में बनेगा। ये नया सैटेलाइट स्टेशन बनाने के पीछे करीब 800 करोड़ रुपया, 800 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत होगी। ये मॉडर्न रेलवे स्टेशन होगा, मल्टी स्टोरीड होगा। आज करीब 76 ट्रेन मैसूरु स्टेशन पे आती हैं। ये बनने के बाद अनेक नई ट्रेनों के आने की संभावना, जिसका लाभ कर्नाटक को और मैसूरु के नागरिकों को मिलेगा। ऐसा एक महत्वपूर्ण काम आज मैं आपके बीच में घोषित करता हूं। भाइयों बहनों, कर्नाटक राज्य के एक किसान नेता, जीवन भर जिन्होंने किसानों के लिए अपना जीवन खपा दिया था, वैसे श्रीमान के एस पुट्टनैया जी, उनका स्वर्गवास हुआ। मैं आदरपूर्वक उनको अंजलि देता हूं और किसानों के लिए जिन महान कार्यों को उन्होंने किया है, आने वाली पीढ़ियां भी उन कामों के प्रति हमेशा हमेशा आदर भाव के साथ उनकी ओर देखती रहेगी, ऐसा और उनसे प्रेरणा लेती रहेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, अब कर्नाटक में जो सरकार चल रही है, जितने दिन ज्यादा चलेगी उतने दिन वो कर्नाटक की बर्बादी करते जाएंगे। हमारे देश में हर राज्य में चुनाव आते हैं, केंद्र में भी चुनाव आते हैं। मैं ये भी समझ सकता हूं कि चुनाव के समय कोई सरकार दो चार अच्छे नए कामों की घोषणा करे, योजना करे, आगे बढ़ाने का प्रयास करे। मैं ये भी समझ सकता हूं कि कोई सरकार जनता को अपनी तरफ लेने के लिए दो चार शिलान्यास के कार्यक्रम करे, कहीं उद्घाटन के कार्यक्रम करे, मैं समझ सकता हूं। लेकिन जिस संविधान के शपथ लेकर के हम बैठे हैं, जो संविधान संविधान पद पर बैठे हुए हर व्यक्ति की विशेष जिम्मेवारी है, वैसे देश के 125 करोड़ देशवासियों की भी संविधान के प्रति समर्पण एक स्वाभाविक जिम्मेवारी होती है। लेकिन जो संविधान पद पर बैठे हैं उनकी जिम्मेवारी सब विशेष होती है। आए दिन ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी ऐसी कल्पनाएं गढ़ी जाती हैं,
ऐसी ऐसी मांगे रखी जाती है, ऐसी बयानबाजी की जाती है। मैं यहां के मुख्यमंत्री जी को और उनके दल को और उनकी सरकार के लोगों को यह आग्रहपूर्वक कहना चाहूंगा कि आपकी पार्टी कर्नाटक में भी और दिल्ली में भी आजादी के बाद 70-80% समय आप ही की पार्टी के लोगों ने राज किया है। आज जो मांगे कर रहे हो, आज जो कर्नाटक के अंदर समाज में दरारें पैदा करने का पाप कर रहे हो, समाज की भावनाओं को भड़काने का पाप कर रहे हो, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हो, अगर ईमानदारी से इन चीजों में आपका विश्वास था तो 50 साल से ज्यादा समय आपके लोगों ने राज किया, तब आपके मुंह पर ताले किसने लगाए थे? क्यों चुप थे तब? आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, जिन्होंने 50 साल तक जो काम नहीं किया उस काम के संबंध में आज वादा करना उनको शोभा देता है क्या? उनको शोभा देता है क्या? यह राजनीतिक षड्यंत्र है कि नहीं है? समाज को बांटने का कारोबार है कि नहीं है? समाज को तोड़ने का काम है कि नहीं है? क्या ऐसे लोगों पर भरोसा करेंगे क्या आप? ऐसे लोगों पर भरोसा करेंगे क्या? भाइयों बहनों, अब कर्नाटक में गति की जरूरत है। कर्नाटक को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अब समय इंतजार नहीं कर सकता है। और आज केंद्र में एक ऐसी सरकार बैठी है जो किसी भेदभाव के बिना हर राज्य को विकास के लिए बल देने के लिए हो सके उतना प्रयास करती है। लेकिन आप अगर गंगा जी में जाएं और इतनी छोटा सा बर्तन लेकर के जाएंगे तो गंगा जल उतना आएगा, और बड़ा बर्तन लेके जाएंगे तो ज्यादा गंगा जल आएगा। ये छोटे मन के लोग कर्नाटक में बैठे हैं, उनको कर्नाटक के भविष्य की चिंता नहीं है, उनको सिर्फ 1.5x1.5 फुट की अपनी कुर्सी की चिंता है। ये सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर के कर्नाटक की इनको चिंता नहीं है। भाइयों, मैं कर्नाटक वासियों से पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? सबके सब जवाब देंगे, सच्चा जवाब देंगे? मैं पूछ रहा हूं इसलिए मुझे खुश करने के लिए जवाब मत देना, सही जवाब देंगे? और उसी में ये कर्नाटक सरकार में जो बैठे हैं उनको आपका साफ साफ संदेश है। मैंने बेंगलुरु में कहा था कि ये 10% कमीशन का कारोबार है, 10%। तो मुझे सब लोग मेरे पे नाराज हो गए, बहुत नाराज हो गए। कुछ लोगों ने मुझे फोन भी किया, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भेजा और बड़ी नाराजगी व्यक्त की, और उनका गुस्सा बहुत था। और उन्होंने मुझे कहा कि आपकी जानकारी सही नहीं है, ये 10% नहीं, ये तो इससे भी ज्यादा वाले हैं। मैं कर्नाटक के लोगों का गुस्सा समझ सकता हूं। अब देश का नौजवान जाग चुका है, वो देश को लूटने देने के लिए तैयार नहीं है।
वो कतई इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आपको अब कर्नाटक में कमीशन वाली सरकार चाहिए कि मिशन वाली सरकार चाहिए? कमीशन की मिशन, कमीशन की मिशन। मैं आपको वादा करने आया हूं और मैं इस बात को खुद देखूंगा, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वो एक मिशन के तहत काम करेगी, कर्नाटक के भाग्य को बदल के लिए काम करेगी, कर्नाटक के विकास के लिए काम करेगी। भाइयों बहनों, यहां पर जिस प्रकार से सरकार चल रही है, जिस प्रकार से राजनीतिक उठापटक चल रही है, आप जानते हैं नोटों के बंडल पकड़े जाते हैं और उनको इनका संकोच भी नहीं, शर्म भी नहीं, और डायरिया और न जाने इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। और एक दूसरे का हिसाब चुकता होता है तो ठीक है, नहीं तो मलाई बांटने में अपने आप लग जाओ, यही कारोबार चला है। क्या कर्नाटक को इससे मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? जिन्होंने कर्नाटक को तबाह किया है, और मैं मैसूरू की सबसे ज्यादा जिम्मेवारी समझता हूं ऐसे लोगों को सजा देने की। आप लोगों ने अगर एक बार मैसूरू बीड़ा उठा लें, क्योंकि जो कुछ भी बुरा कर रहे हैं वो यहां से गए हैं, इसलिए बदनामी आपके माथे पर टीका लग जाता है। ये आग कलंक कथा का आपके साथ भी वो जोड़ देते हैं। मैसूरू सामाजिक एकता के लिए देश को संदेश देने वाली धरती है, मैसूरू ऊर्जावान नौजवानों की धरती है, मैसूरू देश में सद्भावना का वातावरण बनाने वाली धरती है। और यहां से पैदा हुआ व्यक्ति कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे लोगों से जुड़े गए हैं कि मैसूरू ने जो उसको सिखाया सारा बेंगलुरु जाते जाते भूल गए और पूरे कर्नाटक को तबाही की ओर ले जा रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं जानता हूं हर दिन एक नया घोटाला, एक नया भ्रष्टाचार, एक नया आरोप इनके किसी न किसी नेता पर, सरकार के किसी न किसी मंत्री पर, सरकार की किसी न किसी योजना पर, कर्नाटक के किसी न किसी इलाके में लगातार ये चीजें होती रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, जिन विकास के सपनों को लेकर के चल रहे हैं, मैंने बेंगलुरु में विस्तार से हिसाब दिया था, केंद्र सरकार जो पैसे दे रही है गरीब मध्यम वर्ग के लिए, उन पैसों का भी उपयोग ये कर्नाटक की सरकार नहीं कर पाती है। और उसका कारण है, एक उनकी वो प्रायोरिटी नहीं है, उनको उठापटक की राजनीति करना, तोड़फोड़ करना, दिल्ली को खुश रखना, उसके लिए जो भेजना पड़े भेजते रहना, इसी में उनका इंटरेस्ट है। उनके पार्टी के आकाओं को खुश रखना ताकि उनकी कुर्सी सलामत रहे, यही उनका कारोबार है। लेकिन भाइयों बहनों, कोई राज्य ऐसे नहीं चल सकता है, और उनको परवाह भी नहीं है कर्नाटक की जनता की, उनकी भावनाओं की परवाह नहीं है। वे अपने तरीके से, अपने हिसाब से
अपने में ही खोए हुए भाइयों बहनों, ऐसी सरकार, ऐसा नेतृत्व, ऐसा व्यक्तित्व कभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को ताकत नहीं दे सकता है। भाइयों बहनों, हमारा सपना है देश के नौजवान को अपने पैरों पर खड़े रहने की ताकत मिले। हम चाहते हैं कि देश का नौजवान नौकरी के लिए भटकना पड़े, वो स्थिति हमें मंजूर नहीं है। और हमारे देश के नौजवान में वो सामर्थ्य है कि अगर उसको अवसर मिले तो पसीना बहाने के लिए वो कभी पीछे नहीं रहता है, जी जान से जिंदगी लगा देता है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना रास्ता खुद बनाता है। ये देश के नौजवानों का इतिहास है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इस देश के नौजवानों को, और जिसका भरपूर लाभ मैसूर के नौजवानों ने भी लिया है, कर्नाटक के नौजवानों ने भी लिया है और देश के नौजवानों ने भी लिया है, 10 करोड़ ऐसी लोन इतने कम समय में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दी गई है। और करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपया कोई बैंक गारंटी के बिना इन नौजवानों के हाथ में दिए हैं। वो अपना कारोबार खड़ा कर रहे हैं। 3 करोड़ से ज्यादा नए उद्यमी अपने पैरों पर खड़े हैं। और खुद खड़े ऐसा नहीं, किसी ने 1 को रोजगार दिया, किसी ने 2 को रोजगार दिया, किसी के काम के कारण दूसरे को काम मिला। आज मेरे देश के नौजवान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत स्वरोजगारी के लिए सम्मान के साथ अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए आज आगे आ रहा है। लेकिन कर्नाटक की सरकार को इसकी परवाह नहीं है। भाइयों बहनों, 2022 भारत की आजादी के 75 साल होंगे और आजादी के 75 साल हमारे देश के आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, जवानी देश के लिए खपा दी थी, हजारों लोग जेलों में जिंदगी गुजारते रहे थे, कई लोग फांसी के तख्त पर चढ़ गए थे, उन्होंने मां भारती के लिए सपने देखे थे। क्या हम 125 करोड़ देशवासियों की ये जिम्मेवारी नहीं है कि आजादी के 75 साल आते आते हम एक ऐसा हिंदुस्तान बनाए जो हमारे आजादी के दीवानों के सपनों के अनुरूप हो, जो फांसी के तख्त पर चढ़ गए थे, जिनके अरमान अधूरे हैं, उन अरमानों को पूरा करना क्या इस देश के नागरिक के नाते हमारा कर्तव्य है कि नहीं है। और इसलिए हमने 2022 आजादी के 75 साल एक नया भारत निर्माण करने के लिए, देशवासियों को जुड़ने के लिए, देशवासियों को जिम्मेवारी लेने के लिए हमने आह्वान किया है। और हमारा प्रयास है कि 2022 जब आजादी के 75 साल हो, हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा न हो, एक भी परिवार ऐसा न हो जिसके पास रहने के लिए अपना खुद का घर न हो। जो भी बिना अपने घर वाले हैं, मध्यम वर्ग के भी अनेक परिवार हैं जो आज भी किराए के मकान में जिंदगी गुजारते हैं, कई सरकारी मुलाजिम
रिटायर होने के बाद सरकारी क्वार्टर खाली करना पड़ेगा, कहां जाएंगे? अपना घर नहीं है। झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारा करने वाले कई गरीब परिवार हैं जिनके पास रहने को अपना घर नहीं है। भाइयों बहनों, आजादी के 75 साल हमारे सामने, 5 साल का समय है। हम इन परिवारों को, हर किसी का घर बने, इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में योजना लेकर के चल रहे हैं। और घर बनते हैं तो रोजगार भी उपलब्ध होता है, रोड बनते हैं तो नए रोजगार मिलता है, रेल लगती है तो नए रोजगार मिलते हैं। और इस काम को आगे बढ़ाने की दिशा में हमारी सरकार कृतसंकल्प होकर के चल रही है। लेकिन ये कर्नाटक, ये योजना तो हमारी चल रही है, हम जब से आए तब से चला रहे हैं ताकि ये सपना पूरा करना है। लेकिन कर्नाटक सरकार पैसे भेज देते हैं लेकिन घर नहीं बना पाता रहे, उनको बनाने का इरादा नहीं है। भारत सरकार पैसे देती है, आपको घर की जरूरत है, आप बताइए कर्नाटक सरकार को बीच में दीवार बनकर के खड़े रहने का अधिकार है क्या? इन चीजों को रोकने का हक है क्या? इन चीजों को डिले करने का हक है क्या? अगर ऐसी ही सरकार रही तो 2022 का सपना पूरा होगा क्या? और इसलिए मैं कहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि कर्नाटक में एक भी गरीब परिवार, एक भी मध्यम वर्ग का परिवार, एक भी निम्न मध्यम वर्ग का परिवार ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका अपना खुद का घर न हो, तो भाइयों बहनों, कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। भाइयों बहनों, आजादी के 70 साल हो गए, हमारे देश में कुल परिवार है 25 करोड़, करीब करीब 25 करोड़ परिवारों का हमारा देश है, 125 करोड़ जनसंख्या वाला। 25 करोड़ परिवार, उसमें आज भी 4 करोड़ परिवार ऐसे हैं, आप चौंक जाएंगे भाइयों। ये जरा आप बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग यहां आकर के बड़े बड़े भाषण झाड़ते हैं, जरा उनको पूछो, 50-50 साल तक एक ही परिवार को राज करने का अवसर मिला है, क्या कारण है कि 4 करोड़ परिवार आज भी 18वीं शताब्दी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है? उनको जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है, इनको इसका कोई दुख नहीं है। उनको लगता है झूठ बोलेंगे, बार बार झूठ बोलेंगे, जहां जाएंगे वहां झूठ बोलेंगे, जोर जोर से झूठ बोलेंगे, एक नहीं अनेक लोग झूठ बोलेंगे, एक दिन दो दिन नहीं महीनों तक झूठ बोलेंगे, इसलिए देश की जनता मान जाएंगी। अरे आप गलत जगह पर से बोल रहे हो, आप पर देश भरोसा नहीं कर सकता है, आपके झूठ को ये देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। जवाब आपको देना पड़ेगा कि आपने 50 साल तक एक चक्री शासन आपके पास रहा, क्या कारण है कि 4 करोड़ परिवार आज भी 18वीं शताब्दी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है? 4 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके पास घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है, वो 18वीं शताब्दी की अंधेरे वाली जिंदगी जी रहे हैं। और कुछ आपके नियम ऐसे थे जिसका ये परिणाम था, अब आप गांव से 2 किलोमीटर का खंभा है और कोई बेचारा बिजली चाहता है तो आप कहते थे ये 2 किलोमीटर तार खींचने का खर्चा भी तुम दो तब जाकर के बिजली आएगी। हमने नियम बदल दिया, हमने कहा उसके घर तक मुफ्त में कनेक्शन दे देंगे, और एक बार कनेक्शन मिल गया तो उसकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे, उसका खर्चा कम हो जाएगा,
अच्छी जिंदगी जीने का उसके मन के अंदर भी एक नया विश्वास पैदा होगा और देश चलता है, देश बढ़ता है, देश बनता है सामान्य मानवी के आत्मविश्वास से बनता है। हम देश के सामान्य मानवी के आत्मविश्वास को एक नई ताकत देने के लिए हमारी योजनाओं को लेकर के आते हैं। जब प्रधानमंत्री जनधन योजना बनती है तो सिर्फ हाथ में एक बैंक बुक आती है ऐसा नहीं है, बैंक में जाने के लिए दरवाजे खुलते ऐसा नहीं है। जब वो अपने आप को बैंक अकाउंट महसूस करता है, वो भी हिंदुस्तान में औरों की बराबरी में अपनी ताकत अनुभव करता है, उसके अंदर एक विश्वास पैदा होता है। और मेरा गरीब जिसको मैंने कहा था कि आपका जीरो अकाउंट होगा तो भी मैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर बैंक में आपका खाता खोल दूंगा, भाइयों बहनों, अमीर हमारा गरीब मन का अमीर, उसने कहा भले मोदी जी ने कहा लेकिन मेरे देखे गरीब परिवारों ने 70,000 करोड़ रुपया बैंक में जमा करवाए और खुद के जीवन में बचत करने की आदत आई, पैसे जो खर्च हो जाते थे उसको अब संभालने की उनके अंदर आदत आई है। भाइयों बहनों, हम विकास के लिए अनेक पैमानों पर काम कर रहे हैं, ईज ऑफ लिविंग इसको बल दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, सरकार में नौजवानों को नौकरी के लिए इंटरव्यू लिया जाता है, कोई मुझे कहे कि इंटरव्यू नाम की चीज और वो भी वर्ग 3 और 4 किसी परिवार में इंटरव्यू का कॉल आ जाए तो पीछे कोई न कोई बिचौलिया आ जाता था और पहुंच जाता था, माताजी आपके बेटे का इंटरव्यू कॉल आया है, सिफारिश के बिना नौकरी नहीं मिलेगी, इंटरव्यू तो नाम मात्र का होता है, थोड़ा इतना खर्चा कीजिए बस हो जाएगा। वो मां बेचारी गहने बेच करके बेटे को कहीं सरकार में ड्राइवर की प्यून की नौकरी मिल जाए इसलिए अपना घर बेच देती, गहने बेच देती, जमीन गिरवे रख देती थी। और इंटरव्यू में होता क्या था, 3 लोग बैठते थे, एक रास्ते से अंदर आओ वो मुंडी देखेंगे, किसी का मन कर गया तो नाम वाम पूछेंगे और दूसरे दरवाजे से निकल जाओ। कोई मुझे बताए नौजवान, क्या कोई ऐसी दुनिया में बुद्धिमत्ता है कि आपको देखते ही पता चल जाए कि आप अच्छे हैं वो बुरा है, आप में ये गुण है, पता चल जाता है क्या? ये सब झूठ का कारोबार था कि नहीं था, ये पैसा पैसे कमाने का धंधा था कि नहीं था, ये बिचौलियों की दुनिया चलाने का काम था कि नहीं था? हमारी सरकार ने आकर के तय कर दिया कि नौजवान तीसरे और चौथी श्रेणी में नौकरी चाहिए, अब इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, उसके मेरिट के आधार पर उसके घर पर ऑर्डर चला जाएगा, भ्रष्टाचार के दरवाजे बंद कर दिए। कर्नाटक सरकार को यह करने से कौन रोकता है, क्या तकलीफ है कर्नाटक सरकार को? लेकिन ये बिचौलियों को अपनी राजनीति का हथियार बनाते हैं और इसीलिए इन कारोबारों को किया करते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरा आपसे आग्रह है, दिल्ली में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार देश को जिस गति से आगे ले जाना चाहती है, कितना ही बढ़िया एक्सप्रेस हाईवे हो, 100-120 की तेज गति से गाड़ी जा सके ऐसा हाईवे हो, लेकिन कहीं रास्ते में एक बम्प आ जाए तो उसकी गति कितनी ही तेज क्यों ना हो वो गति धीरी हो जाती है, मिनिमम पर आ जाती है, बम्प को क्रॉस करके निकलना पड़ता है, फिर गति पकड़ने में देर आती है। ये कांग्रेस की सरकारें जहां जहां है वो देश की गति को रोकने का काम करती है, बम्प का काम करती है। और इसलिए देश का भला करना है और मौका आया है भाइयों बहनों, एक ऐसी सरकार आई है
जिसको देश के सिवाय अपने लिए कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देश का काम कर रहा है, ऐसी सरकार है जिसके लिए 125 करोड़ नागरिक ही उसका परिवार है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप घर घर पहुंचिए, लोगों से संपर्क, नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी में लाइए, समाज के अलग अलग मुखियाओं को भारतीय जनता पार्टी में लाइए, माताओं बहनों को भारतीय जनता पार्टी में लाइए, गांव गांव जाइए, एक एक पोलिंग बूथ में जाइए और इस सरकार को हटाने के लिए जन सामान्य को संकल्प करवाइए और लोगों में विश्वास पैदा कीजिए, अब कर्नाटक को कमीशन वाली नहीं मिशन वाली सरकार चाहिए। इस विश्वास के साथ आगे बढ़े, इसी अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपको धन्यवाद करता हूं। नव कर्नाटका निर्माण काली परिवर्तन माडीरी, ई बारी बीजेपी गेल्लीसिरी, ई बारी बीजेपी, 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बृहत परिवर्तन यात्रा